हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आज IBPS RRB क्लर्क 19 सितंबर को आज एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, है ना, क्लर्क के, जिसमें मैंने आप लोगों को दो शिफ्ट, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया है। अब मैं आपको थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने इस शिफ्ट में 38 क्वेश्चंस करे हैं मैथ्स में, और बहुत से स्टूडेंट ने इसी शिफ्ट में रीजनिंग में 39 क्वेश्चन करे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने 75+ क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, विथ 100% एक्यूरेसी, ऐसा उनका कहना है। क्लियर? चलो, हो भी सकता है कि 100% एक्यूरेसी हो, है ना, चलो, क्योंकि पेपर बहुत इजी आ रहा है। क्लियर? अब देखो, एग्जामिनर जो है वो रीजनिंग से इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है IBPS RRB क्लर्क में। ये रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं। आई होप आपने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, ये सारे टॉपिक से IBPS RRB क्लर्क में एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है। क्लियर? अब थर्ड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्लियर? तो देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे मैथ्स की बात करूँ तो DI आया था, जिसमें टेबुलर DI था, एक बार ग्राफ था और एक केसलेट था। जो केसलेट था वो परसेंटेज बेस्ड पर था, बाकी टेबुलर और ग्राफ इजीली हो जा रहा था। केसलेट मेरे हिसाब से दो या तीन क्वेश्चन पूछे गए थे केसलेट से, ठीक है। तो टोटल 10 से 13 मैं क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ टोटल ओवरऑल DI से, जो कि ईजी था सारा। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन से 10 से 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि विदाउट पेन एंड पेपर थे, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला कंसेप्ट लग रहा था। अगर आप लोगों ने सर्ट्स एंड इंडाइसेस की क्लास मेरी नहीं देखी है तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस की क्लास देख सकते हैं। मैंने बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझाया है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। क्लियर? वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस आपका सिंप्लीफिकेशन में काम कर रहा है। जैसे कि क्वेश्चन था कि 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, ऐसा कुछ समथिंग था। क्लियर? तो ये विदाउट पेन एंड पेपर इजीली सॉल्व हो रहा है, जिसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। अभी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपको मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिली होगी। अब थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनर रॉन्ग नंबर सीरीज डाल रहा है, जो कि बहुत ईजी थी। एक रॉन्ग सीरीज ऐसी थी जिसमें थोड़ा सा बच्चों को टाइम लग रहा था, तो उन्होंने उस रॉन्ग सीरीज को स्किप कर दिया। वो वाला क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, स्किप, जो कि बिल्कुल सही था। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। एर्थमेटिक के क्वेश्चन 12 आए थे, जिसमें आपका बोट एंड स्ट्रीम था, एज से रिलेटेड था, मिक्सचर एलिगेशन, देखो एज, मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, है ना, तीनों शिफ्ट में आए हैं। क्लियर? परसेंटेज भी तीनों शिफ्ट में आया है, CISI भी तीनों शिफ्ट में आया है। क्लियर? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी तीनों शिफ्ट में आया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, जो कि एग्जामिनर रेगुलर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो ये हो गए टोटल हमारे मैथ्स के। अगर मैं आपसे बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो यहाँ पर पजल पूछी गई थी। देखो, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पजल आ रही थी वो एक एक आ रही थी, और सिटिंग अरेंजमेंट 3 आ रही थी। क्लियर? लेकिन थर्ड शिफ्ट में क्या है कि पजल जो है वो हमारी 2 आ रही है और सिटिंग अरेंजमेंट आई है 2। जैसे कि पजल कौन कौन सी आई है, एक आई है फ्लैट फ्लोर पजल, है ना, और सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आया था मंथली बेसिस पे। क्लियर? उसके बाद एक और पजल आई है, जो कि क्या है, एक और पजल है वीकली बेसिस पे, है ना, सुबह मंथली बेसिस पर आई थी, इस बार वीकली बेसिस पर आई है इस थर्ड शिफ्ट में। सिटिंग अरेंजमेंट की मैं अगर बात करूँ तो सुबह की जो 2 शिफ्ट थी उसमें लीनियर, है ना, सिंगल रो वाली एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, जो कि सभी नॉर्थ पर फेस करके बैठे थे, लेकिन इस बार 2 पैरेलल रो वाली आई है ना, जिसमें 5 जो थे वो नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे थे और 5 जो थे वो टोटल वो साउथ की ओर फेस करके बैठे थे। क्लियर? तो टोटल 10 मेंबर्स थे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ अनसर्टेनिटी की, तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में अनसर्टेन वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो आया है। पहली वाली शिफ्ट में जो आंसर आ रहा था अनसर्टेन का, वो 22 आ रहा था, और इसमें जो शायद अनसर्टेन का आ रहा है वो शायद 20 है ना, 20 या 22 ही है। क्लियर? तो मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी तो वो रेगुलर पूछ ही रहा है, और हमें अब ये भी पता चल गया है कि एग्जामिनर 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के कह रहा हूँ, टोटल 20 मार्क्स का तो दे ही रहा है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर? मैं इनइक्वालिटी की बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट में भी आई थी, थर्ड में भी आई है, 5 नंबर की बहुत ईजी थी, आराम से आप लोग कर सकते हो। ब्लड रिलेशन अब आया है, फर्स्ट और सेकंड में शायद नहीं आया था, है ना, थर्ड में आया है, 4 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट और सेकेंड में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर थर्ड में आया है, थर्ड शिफ्ट में टोटल 5, जो कि चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड और बहुत ईजी थे। अल्फा न्यूमरिक सीरीज यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में भी आई थी, थर्ड में भी आ गई है, 5 थे टोटल 5 क्वेश्चन। क्लियर?
उसके बाद मिसलेनियस का कोई सा एकाध क्वेश्चन होगा जो कि बच्चे को याद नहीं है, शायद वो ऑड वन वाला होगा कोई सा, है ना, ऑड वन वाला कोई सा होगा, या फिर कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब कोई सा भी हो सकता है, वो तो एक नंबर का वो था। क्लियर, तो यहाँ पे टोटल होगा हमारे 40 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूँ तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, पेपर इजी बना रहा है एग्जामिनर, पेपर इजी बना रहा है एग्जामिनर एग्जामिनर, लेकिन वो आपकी सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेक कर रहा है कि क्या बच्चा 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपको टाइम एंड वर्क का मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने यहाँ ऐसा आपको बैठे बैठे बता दिया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है एमडीएच फॉर्मूला के। क्लियर, तो विदाउट पेन एंड पेपर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हो, और आपके इनइक्वालिटी तो विदाउट पेन एंड पेपर ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका चाइनीज कोडिंग भी आपका विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो सकता है। उसके आपके सिंप्लीफिकेशन के 6 से 7 या 8 से 9 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में तो 15 थे टोटल, तो उसमें तो 8 से 9 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो रहे थे। तो बस एग्जामिनर ये चाह रहा है कि मैं पेपर तो ईजी बना रहा हूँ, लेकिन क्या बच्चा इस ईजी पेपर को 45 मिनट में 80 क्वेश्चन कर पा रहा है या नहीं। क्लियर, चलो अब इसके जो क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट के, वो जो जो मेरे पास है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, या फिर जब मैं नेक्स्ट शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट का जब एनालिसिस करवाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर, बाकी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों को दे चुका हूँ, है ना, क्वेश्चन अर्थमेटिक के 7 क्वेश्चन थे। सेकेंड शिफ्ट में मैं आपको 5 मिसिंग नंबर के क्वेश्चन दे चुका हूँ जो एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकेंड शिफ्ट में। ऐसे ही थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो इसमें तो अपलोड नहीं, यहाँ पर तो मैं नहीं ला पाया थर्ड शिफ्ट में, लेकिन मैं फोर्थ शिफ्ट में आपको थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो आने वाले जितने भी एग्जाम, मतलब जिसके भी एग्जाम है आने वाले डेट्स में, आने वाले शिफ्ट्स में, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, है ना। पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंस अपना लो मत करना, बहुत इजी पेपर आ रहा है, बस प्रैक्टिस करते जाओ। क्लियर हो गया सभी लोगों को? आराम से सभी के 72+ 75+ विथ 100% एक्यूरेसी के साथ आराम से आएगा। क्लियर सभी लोगों को? चलिए अब आप लोगों की जितनी भी शिफ्ट्स हो चुकी हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को याद है। जो जो आप लोग को याद है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर, क्योंकि हम लोग अभी 3 से 4 दिन बाद हम लोग आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके बैंक और रेलवे और एसएससी के, हम उनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।